बच्चों, एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न करके पूछा है कि मैडम, धमनी एवं सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? धमनी और सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं एंजियोलॉजी। इसको क्या कहते हैं हम? एंजियोलॉजी। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत धमनी और सिराओं सहित रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी का मतलब होता है ब्लड का अध्ययन करना, रक्त संबंधित सारी बातों का जब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं तो वो साइंस हमारा कहलाता है हीमेटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर, कैंसर से संबंधित जब हम चीज़ों का अध्ययन करते हैं तब उसको हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। तो आज मैंने आपके एक प्रश्न था, धमनी और सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हम एंजियोलॉजी। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपने जो आपके कहीं डाउट्स हो रहे होंगे उन डाउट्स को पूछना, ज़रूर बताऊँगी। Thank you.